तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, डीडी फीड से टोटल दो चैनल बंद हो चुका है, प्योर टीवी चैनल एंड पॉपुलर टीवी चैनल। और आप इन दो चैनलों के लिए 79 ऑक्शन किया जाएगा प्रसार भारती की तरफ से। एमपीजी 2 स्लॉट के लिए 79 ऑक्शन कब होगा? 79 ऑक्शन की अनाउंसमेंट प्रसार भारती की तरफ से 1 से 2 दिनों के अंदर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सोर्स से अपडेट आया है 79 ऑक्शन एमपीजी 2 स्लॉट के लिए नेक्स्ट मंथ होगा, अगले महीने 79 ई ऑक्शन किया जाएगा, 2 स्लॉट के लिए ई ऑक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू सोर्स से अपडेट आया है 79 ई ऑक्शन में हाईकॉम 18 नेटवर्क एंड सोनी नेटवर्क का कुछ चैनल हिस्सा लेगा। 79 ई ऑक्शन में हाईकॉम 18 नेटवर्क का टोटल 4 नया हिंदी GEC चैनल भाग लेगा और ये पक्का 100% कन्फर्म हो चुका है। और सोनी नेटवर्क का 3 हिंदी सीरियल, मूवी और कार्टून चैनल 79 ई ऑक्शन में भाग लेगा, ये भी पक्का 100% कन्फर्म हो चुका है। भाईकॉम 18 नेटवर्क का कलर्स रोशनी, कलर्स नेक्स्ट, ऊंची उड़ान और कलर्स रिश्ते ई ऑक्शन में हिस्सा लेगा। और सोनी नेटवर्क का सोनी मैक्स 2, सोनी ये जूनियर और सोनी पर्ल चैनल हिस्सा लेगा। फाइनली इन दो नेटवर्क का जो भी चैनल 79 ई ऑक्शन में स्लॉट जीतेगा उसे डीडी फीड्स पर लॉन्च किया जाएगा। बट मुझे लगता है पिछले साल की तरह इस साल भी आप सभी का पसंदीदा कलर्स रिश्ते और सोनी पल चैनल ई ऑक्शन में स्लॉट जीतेगा। एंड आप सभी को क्या लगता है कौन सा चैनल 79 ई ऑक्शन में स्लॉट जीतेगा? भाईकॉम 18 नेटवर्क का एंड सोनी नेटवर्क का चैनल का नाम आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।